हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमील अहमद और हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो ये साउथ अमेरिका के ऊपर अब हमारा दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट के ऊपर तो इसका हम चले शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं साउथ अमेरिका में, इसके कंट्रीज़ कितने हैं साउथ अमेरिका कंटिनेंट। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में टोटल जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो टोटल कंट्रीज़ हैं वो कितने हैं, टोटल कितने ममालिक हैं वो हैं 12। ठीक है, 12 टोटल कितने कंट्रीज़ हैं, 12। अच्छा, साउथ अमेरिका कंटिनेंट के वेस्ट में कौन सा ओशन है और इसके ईस्ट में कौन सा ओशन है। ठीक है, और इसका ज़रा देख लेते हैं, इसके वेस्ट में कौन सा ओशन है, वेस्ट में इसका ओशन है पैसिफिक ओशन। ठीक है, आप मैप से भी देख सकते हैं जो हमने ड्रा किया था, पैसिफिक ओशन इसके वेस्ट में है, इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि लार्जेस्ट कंट्रीज़ कौन से हैं। ठीक है, एक है हमारे पास बाई एरिया और दूसरा है बाई पॉपुलेशन। तो बाई एरिया जो लार्जेस्ट कंट्री है, यहाँ पे लिख लें लार्जेस्ट, और ये स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया जो है वो ब्राज़ील है। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट कंट्री है वो सरीनेम है, सरीनेम। ठीक है, लार्जेस्ट बाय एरिया जो है साउथ अमेरिका कंटिनेंट का कौन सा मुल्क है, ब्राज़ील है, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, सरीनेम है। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है, बाई एरिया यही फिगर है और इसी तरह बाई पॉपुलेशन भी यही है। अगर बाई पॉपुलेशन का पूछा जाए तो लार्जेस्ट कंट्री कौन सा होगा, ब्राज़ील है, और बाई पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, वो सरीनेम है, सरीनेम। ठीक है, तो ये तो थे कुछ बेसिक फैक्ट्स इसके। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है हमने देखना है कि इसमें लैंड लॉक कंट्रीज़ कितने हैं, लैंड लॉक्ड कंट्रीज। लैंड लॉक्ड कंट्रीज तो साउथ अमेरिका में जो लैंड लॉक कंट्री हैं वो दो हैं। ठीक है, कितने हैं भला, टोटल दो हैं। अब कौन कौन से हैं, एक है आपके पास बोलीविया, बोलीविया, और दूसरा है आपके पास पैराग्वे, PARAGUAY। बोलीविया और पराग्वे ये कौन से हैं, ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। अब ज़रा मैप से देखें बोलीविया कहाँ पे है, बोलीविया ये है। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ चिली है, दूसरी तरफ ब्राज़ील है। ठीक है, इसी तरह पैराग्वे, ये दो कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक कंट्री हैं साउथ अमेरिका कंटिनेंट में, बोलीविया और पैराग्वे। ठीक है, और अगर टोटल की बात की जाए वर्ल्ड के हवाले से तो टोटल कितने कंट्रीज़ हैं लैंड लॉक कंट्रीज़, 44 जो हैं टोटल लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, 44। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम देखते हैं माउंटेन रेंज के हवाले से। ठीक है, एंडीज माउंटेन रेंज ये हाईएस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, एंडीज माउंटेन रेंज, एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है,
तो ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, यानी फर्स्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 7,000 किलोमीटर, ठीक है, 7,000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अच्छा, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस माउंटेन रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है, तो वो है आपके पास माउंट एकनकैगवा, ठीक है, माउंट एकनकैगवा, एकनकैगवा, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है इस माउंटेन रेंज का, और ये हाईएस्ट पॉइंट है किसका बोला? साउथ अमेरिका कंटिनेंट का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गौर करें मैप में देखें तो ये जो माउंटेन रेंज है ये देखें, ये यहाँ से होती होती, ठीक है, ये लेक टिटिकाका भी कहाँ पे आ रही है, ये इनके दरमियान आ रही है, यहाँ से होती होती आपको असल दिखाने का मकसद ये है, ये बोलीविया से भी गुजर रही है, बोलीविया का जो कैपिटल है ला पास वो भी इसी माउंटेन रेंज में आ रहा है, ठीक है, बोलीविया का जो कैपिटल है ला पास ये भी इसी माउंटेन रेंज में आ रहा है। इसके हवाले से जो क्वेश्चन बनता है ना वो क्या बनता है? वो ये बनता है कि हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, ठीक है, इसके हवाले से जो क्वेश्चन है वो क्या बनता है? हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड वो कौन सा है? अभी हमने देखा भी है मैप में, तो वो है लापाज, ठीक है, तो वो क्या है? लापाज, ये कौन से कंट्री में है? बोलीविया में है, या बोलीविया का कैपिटल है, ठीक है, बोलीविया का कैपिटल है। बोलीविया क्या है? ये एक लैंड लॉक कंट्री है साउथ अमेरिका में, ठीक है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में दो लैंड लॉक कंट्री देखे हमने, एक बोलीविया है और दूसरा पैरागुए है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और चीज़ आपने देखनी है कि लेक टिटिकाका के हवाले से, ठीक है, लेक लेक टिटिकाका, ठीक है। अच्छा, इसके हवाले से जो क्वेश्चन पूछता होता है लेक टिटिकाका के हवाले से कि ये किन दो कंट्रीज के दरमियान है, लेक टिटिकाका जो है ये किन दो कंट्रीज के दरमियान है, तो ये पीरू और बोलीविया के दरमियान है, पीरू और बोलीविया के दरमियान है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, बल्कि करेक्शन कर लें, ठीक है, ये जो है ना लेक टिटिकाका ये नहीं है, लेक टिटिकाका यहाँ पे जाके है, ठीक है, इनके दरमियान है लेक टिटिकाका, ठीक है, ये है लेक टिटिकाका। और इसका जो है ये हाईएस्ट पॉइंट समझ लें जो हमने अभी बनाई है माउंट एकनकैगवा, ठीक है, तो लेक टिटिकाका जो है ये है ना कि ये, ठीक है, ये याद रखिएगा मैप में से भी, ये किसके दरमियान है? पीरू और बोलीविया के दरमियान है लेक टिटिकाका, ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्या खासियत है? इसकी जो है पूछा जाता है दुनिया की जो है हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, अगर पूछा जाए हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड तो वो कौन सी होगी आपके पास? लेक टिटिकाका होगी, हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, हाईएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी होगी आपके पास? लेक टिटिकाका होगी, ठीक है। और अगर माउंटेन रेंज का पूछा जाए ये किस माउंटेन रेंज में है, तो एंडेज माउंटेन रेंज में है, ठीक है। और अगर इसकी हाइट पूछ ली जाए लेक टिटिकाका की, तो इसकी हाइट क्या है? 3810 मीटर, ठीक है, लेक टिटिकाका,
3810 मीटर इसकी हाइट है। अच्छा, तो एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट देखते हैं, एंजल फॉल के हवाले से। अच्छा, एंजल फॉल कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वेनेजुएला में है, ठीक है, और किस माउंटेन रेंज में है, ठीक है, तो ये एंडीज माउंटेन रेंज में है। इसको ज़रा आप थोड़ा इस तरह कर लें, ठीक है, तो ये किस माउंटेन रेंज में है, एंडीज माउंटेन रेंज में है, ठीक है, तो इसको ज़रा देखते हैं। एंजल फॉल, एंजल फॉल ये वर्ल्ड हाईएस्ट फॉल है, ठीक है, यानी हाईएस्ट फॉल ऑफ द वर्ल्ड है, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, एंजल फॉल जो है हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड है, ये कौन से कंट्री में है, ये हमने अभी देखा है वेनेजुएला में है। ठीक है, ये वेनेजुएला में है। अगर माउंटेन रेंज का पूछा जाए, अगर माउंटेन रेंज का पूछा जाए तो किस माउंटेन रेंज में है, ये एंडीज माउंटेन रेंज में है। ठीक है, किस माउंटेन रेंज में है, एंडीज माउंटेन रेंज में है। तो इसकी हाइट अगर पूछ ली जाए तो इसकी हाइट क्या है, 979, ठीक है, 979 मीटर इसकी हाइट है, 979 मीटर इसकी हाइट है एंजल फॉल की। ठीक है, इसके हवाले से आपने ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है, अगर मैप से देखें, एक डेजर्ट की बात करते हैं, ये जो है एक डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट, ठीक है, ये किन दो कंट्रीज़ के दरमियान है, ये कंट्री कौन सा है आपके पास, ये चिली है और ये अर्जेंटीना है। तो अटाकामा डेजर्ट किन के दरमियान है, चिली और अर्जेंटीना के दरमियान है, ठीक है, चिली और अर्जेंटीना के दरमियान है अटाकामा डेजर्ट। इसको लिखते हैं ज़रा, अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, तो अटाकामा डेजर्ट ये किन के दरमियान है, कौन से कंट्रीज के दरमियान है, बिटवीन चिली एंड अर्जेंटीना। ठीक है, ये इन दो कंट्रीज के दरमियान है। और इसके अलावा अगर कंटिनेंट का पूछा जाए, कौन से कंटिनेंट में है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है। ठीक है, इसके अलावा जो और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाँ, जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है ना, दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो है उसका नाम है एनाकोंडा, वो भी यहीं पे पाया जाता है, एनाकोंडा, एनाकोंडा स्नेक। एनाकोंडा स्नेक जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये एटाकामा डेजर्ट में पाया जाता है। और ये कहाँ पे एटाकामा डेजर्ट, ये साउथ अमेरिका में है, किन कंट्रीज के दरमियान है, चिली और अर्जेंटीना के दरमियान है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं रिवर के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पे चलें देख लेते हैं रिवर। यहाँ पे जो दरिया है वो है अमेज़न, है अमेज़न रिवर, ठीक है, अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर जो है ये बाई वॉल्यूम जो है पहले नंबर के ऊपर है, बाई वॉल्यूम अमेज़न रिवर जो है, अगर बाई वॉल्यूम भी बात की जाए
या लार्जेस्ट बात की जाए अमेजोन जो रिवर जो है ये फर्स्ट के ऊपर है, और अगर बाई लेंथ बात की जाए, ठीक है, लंबाई के हवाले से, तो ये दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है अमेजोन रिवर। ठीक है, अच्छा इसको ज़रा हम बना भी लेते हैं मैप में। ठीक है, मैप में हम इसे बना भी लेते हैं अमेजोन रिवर को। ठीक है, आप ये समझ लें कि अमेजोन रिवर जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये फॉल होता है कहाँ पे भला, एटलांटिक ओशन में। ठीक है, अमेजोन रिवर, अमेजोन रिवर। अच्छा अमेजोन रिवर की जो लेंथ है ना वो है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और ये दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है। ठीक है, दुनिया का ये दूसरा बड़ा दरिया है, अगर बाई वॉल्यूम बात की जाए या लार्जेस्ट कहा जाए तो ये दुनिया का पहला बड़ा दरिया है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, नील है। सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा बनेगा, अमेजोन बनेगा। ठीक है, अच्छा अमेजोन रिवर ये कहाँ पे जाके गिरता है, यानी फॉल्स इन, अमेजोन रिवर जो है ये फॉल्स इन यानी कहाँ पे जाके गिरता है, ये एटलांटिक ओशन में। ठीक है, ये एटलांटिक ओशन में जाके गिरता है अमेजोन रिवर। ठीक है, अच्छा जो दुनिया का पहला बड़ा दरिया है वो कौन सा है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नील है, दरिया नील। ठीक है, वो कहाँ पे अबला, अफ्रीका में है, दरिया नील, और इसकी जो लेंथ है ना वो है 6650, 6650 किलोमीटर, और अमेजोन की जो लेंथ है अमेजोन रिवर की वो कितनी है, वो है 6400 किलोमीटर। ठीक है, अमेजोन रिवर की लेंथ 6400 किलोमीटर है और जो दरिया नील है उसकी लेंथ कितनी है, 6650 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है एक चीज़ और रह गई है देखने वाली कि साउथ अमेरिका में जो है कितने कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर के ऊपर हैं। ठीक है, तो पहले आप एक लाइन ड्रा कर लें, इक्वेटर की ये हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये आपके पास इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर है, तो यहाँ पे देखें कौन से कंट्री इक्वेटर के ऊपर है साउथ अमेरिका में, एक आपके पास ब्राज़ील आ रहा है, फिर कोलंबिया है और एक्वाडोर है। ठीक है, यानी तीन कंट्रीज़ जो हैं वो किसके ऊपर हैं, इक्वेटर के ऊपर हैं। यानी इक्वेटर के ऊपर कितने कंट्रीज़ हैं साउथ अमेरिका में, तीन कंट्रीज़ हैं, कितने, तीन कंट्रीज़ हैं। अच्छा इनको आप एक एब्रिवेशन से भी याद रख सकते हो, ECB, ECB। ठीक है, ECB से एक आपके पास ई से क्या बनेगा, एक्वाडोर, सी से क्या बनेगा, कोलंबिया, और बी से क्या बनेगा, ब्राज़ील। ठीक है, तो आप इस तरह ECB से भी से याद रख सकते हैं कि तीन कंट्रीज जो हैं वो इक्वेटर के ऊपर हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें हैं याद रखने वाली, वो ज़रा आपने याद रखनी है कि ब्राज़ील को जो है ना लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ठीक है, ब्राज़ील को क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं।
लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं किसको, ब्राज़ील को, ठीक है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ब्राज़ील को लैंड ऑफ पॉम्स भी कहते हैं, ठीक है, ब्राज़ील को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ पॉम्स भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है यहाँ पे देखें, ये एक्वाडोर में इसका कैपिटल क्या है, क्विटो है, ठीक है, तो क्विटो को लैंड ऑफ इटरनल स्प्रिंग्स भी कहते हैं, लैंड ऑफ इटरनल स्प्रिंग्स ये क्विटो है। लैंड ऑफ इटरनल स्प्रिंग्स, लैंड ऑफ इटरनल स्प्रिंग्स किसे कहते हैं, क्विटो को कहते हैं। अच्छा, ये पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लग रही है, मेरी कोशिश है कि वो आपको करा दूं। अच्छा, जो कोलंबिया है, ठीक है, कोलंबिया को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं, लैंड ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं, कोलंबिया को। लैंड ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं, कोलंबिया को कहते हैं, ठीक है। ये देखें कोलंबिया कहाँ पे है, ये रहा कोलंबिया, इसको क्या कहते हैं, लैंड ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं, क्विटो। ये जो है कैपिटल है एक्वाडोर का, इसे लैंड ऑफ इटरनल स्प्रिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। ब्राज़ील के बारे में, इसे लैंड ऑफ पाम्स भी कहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो चिली है ना, चिली, इसको लैंड ऑफ पोइट्स कहते हैं, लिख लें, लैंड ऑफ पोइट्स जो है किसे कहते हैं, चिली को कहते हैं, लैंड ऑफ पोइट्स किसे कहते हैं, चिली को कहते हैं, लैंड ऑफ पोइट्स किसे कहते हैं, चिली को कहते हैं, ठीक है। तो ये था जनाब बेसिक लेक्चर साउथ अमेरिका कंटिनेंट के हवाले से, ठीक है। साउथ अमेरिका कंटिनेंट में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में हमने इसके ओशंस वगैरह को देखे हैं, ठीक है, इसकी ईस्टर्न साइड पे कौन सा ओशन है, इसके वेस्टर्न साइड पे कौन सा ओशन है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने साउथ अमेरिका कंटिनेंट में इनके कैपिटल्स देखे हैं, इनके जो है कंट्रीज़ देखे हैं, उन कंट्रीज़ के हमने कैपिटल्स देखे हैं, ठीक है। कैपिटल्स जिस तरह आप अगर देख लें कि कोलंबिया का कैपिटल क्या है, बोगाटा है, वेनेजुएला का क्राकस है, गुयाना का जॉर्ज टाउन है, सरीनेम का पैरामेरिबो है, इसी तरह पीरू पीरू का कैपिटल लीमा है, एक्वाडोर का क्विटो है, ब्राज़ील का क्या है, ब्राज़ीलिया है, ठीक है, बोलीविया का क्या है, कैपिटल लापाज है, लापाज जो है हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी है, पैरागुए का कैपिटल असनशन है, यूरोगुए का कैपिटल मोंटेविडियो है, और ब्यूनस आयर्स का अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स है, और इसी तरह चिली का जो कैपिटल है वो क्या है, सेंटियागो है। इसके अलावा जो है हमने इन कंट्रीज़ की जो है करेंसी भी देखी है, जिस तरह चिली की करेंसी क्या है, पीजो है, अर्जेंटीना की करेंसी भी पीजो है, यूरोगवे की करेंसी भी पीजो है, और जो है आपके पास कोलम्बिया की करेंसी भी क्या है, पीजो है, ठीक है, और ब्राज़ील की करेंसी क्या है, रियल है, ठीक है। इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ भी हमने करेंसीज देखी हैं। फिर वन बाय वन हमने इसमें देखे हैं कि अच्छा, रिवर के हवाले से हमने देखा है कि सबसे जो है फर्स्ट सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यहीं पे बहता है, ठीक है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में, उसका नाम अमेजोन रिवर है, और 6400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। मोस्टली ये कहाँ से फ्लो होता है, ब्राज़ील से निकल, ब्राज़ील में फ्लो होता है मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ पे जाके गिरता है, अटलांटिक ओशन में जाके गिरता है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है यहाँ पे लैंड लॉक कंट्री देखी हैं, कितनी हैं साउथ अमेरिका में, तो लैंड लॉक कंट्री कितने हैं, दो हैं, कौन कौन से, बोलीविया और पैरागुए, ठीक है। इसके अलावा जो है हमने इक्वेटर के ऊपर देखे हैं कि साउथ अमेरिका में कितने कंट्रीज़ जो हैं वो इक्वेटर के ऊपर हैं, वो तीन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कौन कौन से, भला ब्राज़ील है, कोलम्बिया है, और एक्वाडोर है, इसे ई सी बी से भी याद रख सकते हैं, ई सी बी, एक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ई सी बी, ठीक है, इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो टोटल कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड में जो इक्वेटर के ऊपर हैं वो 13 कंट्रीज़ हैं, जिनमें से तीन जो हैं वो साउथ अमेरिका में हैं, ठीक है। तो ये था इसका जस्ट ओवरव्यू था,
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।